तो फाइनली दोस्तों बजाज अपनी पल्सर RS 400 को बहुत ही जल्द हमारे इंडियन टू व्हीलर मार्केट पे बहुत सारे एडवांस फीचर्स के साथ लॉन्च करने वाली है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बाइक की जो प्राइसिंग है यह आप लोग को बहुत ही ज्यादा सस्ती भी देखने को मिलेगी। तो आज की इस वीडियो पे दोस्तों मैं आप लोग को इसी बजाज कंपनी की ओर से आने वाली पल्सर RS 400 के बारे में कंप्लीट डिटेल के साथ जानकारी दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आगे आप लोग को बाइक से रिलेटेड ऐसे वीडियोस की इंफॉर्मेशन देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले अगर हम लोग इस बाइक के लुक के बारे में बात करें तो बाइक का लुक दोस्तों आप लोग देख ही सकते हैं। तो कि आप ही लोग बताइए दोस्तों कि आप लोग को इस बाइक का लुक कैसा लग रहा है। फीचर्स के बारे में बात करी जाए तो इसमें दोस्तों आप लोग को भरपूर फीचर्स दिए गए हैं। जैसे कि दोस्तों इसमें आप लोग को कंप्लीट LED लाइटिंग सेटअप दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों इसमें जो आप लोग को डिजिटल मीटर कंसोल भी दिया गया है, जिसमें कि आप लोग को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और GPS के साथ टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों बाइक में आप लोग को राइडिंग मोड, डुअल डिस्प्ले के साथ डुअल चैनल ABS और आप लोग को फ्रंट पे UHD सस्पेंशन के साथ जो है रेयर पे आप लोग को मोनोशॉक सस्पेंशन भी देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं दोस्तों बाइक पे जो आप लोग को TCS यानी कि ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम और स्लीपर क्लच के साथ दोस्तों आप लोग को एडजस्टेबल लीवर भी देखने को मिलते हैं। बाकी सेफ्टी वाइज साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर तो मिलता ही है। तो बाइक में दोस्तों आप लोग को फीचर्स जो है काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं। इंजन दोस्तों सेम आप लोग को पल्सर NS 400Z वाला इंजन देखने को मिलेगा, जिसमें दोस्तों लगभग आप लोग को 39.4 BHP के आसपास में पावर और लगभग दोस्तों 35 Nm तक का टॉर्क देखने को मिलेगा। जो कि ये जो बाइक है दोस्तों ये 6-speed गियरबॉक्स के सेटअप के साथ आएगी, जिसमें माइलेज दोस्तों आप लोग को 35 km के आसपास में देखने को मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बाइक जो है ये सिर्फ और सिर्फ जो है सेल्फ स्टार्ट के साथ ही आएगी। प्राइसिंग दोस्तों लगभग जो है 2,50,000 रुपए के अंडर में ही आप लोग को इस बाइक का ऑन रोड प्राइसिंग देखने को मिलेगा। बाकी लॉन्च के बारे में बात करी जाए तो इस बाइक को दोस्तों इसी साल के एंड तक में जो है बजाज कंपनी हमारे इंडियन टू व्हीलर मार्केट पे लॉन्च कर देगी। तो आपका क्या ओपिनियन है दोस्तों इस बाइक को लेकर, नीचे कमेंट बॉक्स पे अपना ओपिनियन जरूर लिखिएगा। और इस वीडियो को भी दोस्तों अब हम लोग फिलहाल एंड करते हैं। तो आई होप आप लोग को ये जो वीडियो है ये आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड ऑल्सो राइड सेफ।